अस्सलाम वालेकुम यार, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आल इब्राहिम इन्नक हमीदुन मजीद, अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आल इब्राहिम इन्नक हमीदुन मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। आज हम बात करेंगे जादू जिन्नात के इलाजात के बारे में, कौन से इसके मेथड्स हैं, क्या तरीक़ेकार हैं जिससे इलाजात किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो तरीका है वो है बग़ैर पढ़ाई के इलाज करना, बग़ैर किसी विरद के, बग़ैर किसी ज़िक्र के, बग़ैर किसी माला जपने के, बग़ैर किसी तस्बीह फिराने के को इलाज करना। इसमें एक तरीका जो है वो सदकात का है। जब मरीज़ आता है तो आमिल पीर फ़कीर उसकी कैफियत को देखते हुए फ़ैसला करता है कि इसको कौन से सदकात दिलाने चाहिए। सदकात क्यों देते हैं कि उसके ऊपर जो मखलूकात होती है, जो उसके ऊपर चिमटी होती है, उसको हटाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर सदका किया जाए तो वो चीज़ चली जाती है। मिसाल के तौर पे अगर मक्खी को रागिब करना होता है तो मीठी मीठी चीज़ जो है वो रखते हैं, और इसी तरह कीड़े मकोड़े जो हैं वो मीठी चीज़ को भी पसंद करते हैं। अगर वो मखलूक बसूरत परिंदा होगी तो फिर सदकात में जो है ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जो कि परिंदे खाते हों। परिंदों में भी दो किस्में हैं, तो जिनात में इकसाम होती हैं, कुछ जिनात बसूरत कबूतर होते हैं तो उनके लिए खाने में हर्बल्स होती हैं, यानी दाना होता है ज्वार बाजरा टाइप है। इस तरह अगर बिल्कुल पतली चिड़ियों की तरह उनकी सूरत होगी तो फिर उनको बाजरा दिया जाता है। इसी तरह जिस तरह की मखलूक चिमटी होती है उस तरह का इलाज होता है। अगर वही मखलूक अगर बाज की सूरत में होगी, ईगल के सूरत में होगी, तो फिर उसके लिए गोश्त का सदका होता है। इसी तरह अगर कोई जादू या जिनात जादू के ज़रिए या जिनात कुदरती तौर पे किसी के ऊपर शेर की सूरत में मुसलत होता है तो फिर उसको गोश्त का सदका दिलाया जाता है। अगर उसको भैंस बकरी गाय की सूरत में होती है तो फिर उसके लिए घास वगैरह का सदका दिया जाता है। गर्ज़ ये कि जितने सयारगान हैं उनकी जो नेगेटिविटी की शुआएँ जब चलती हैं तो उस तरह की मखलूकात भी ज़मीन पे होती हैं और वो लोगों को पकड़ लेती हैं, अक्सर शयातीन होते हैं। तो इस सूरत में आमलीन पीर या फ़कीर जो होते हैं वो सदकात से काम करते हैं। तो सदकात में ये तरीका होता है कि हर एक कर सकता है, लेकिन ये कि पता हो कि कौन सा सदका देना चाहिए। और दूसरा तरीका अगर साहिब नज़र नहीं है तो कुंडली से भी देखा जाता है, और तीसरा तरीका मुस्तहसला जफर होता है उससे भी देखा जाता है कि सदकात क्या होने चाहिए। अच्छा, ये तरीका
सेफ़ होता है, महफूज होता है, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है। ये तरीका हर मुसलमान, हर हिंदू, गैर मुस्लिम, ईसाई, क्रिश्चन, यहूदी, जुडिज़म वाले, बुद्धिज़म वाले, जिसे बुद्ध बोलते हैं, वो सभी लोग कर सकते हैं। मानने वाले, न मानने वाले, सब कर सकते हैं और सबको इससे, इस तरीके से फ़ायदा होता है। इसमें ये नहीं है कि लाजमन जो है आपको वो किसी मज़हब में होना चाहिए। अच्छा, ये तरीका इस तरह भी नहीं है कि आपके पास कोई अमल होना चाहिए, कोई अमल नहीं हो तो भी ये चलता है। और उन सदकात को जो होते हैं उनको मद्देनज़र देखते हुए फिर उनको एक तरतीब से दिलाया जाता है, मखलूकात को मद्देनज़र रखते हुए, कभी एक चीज़, कभी दो चीज़, या मिक्स में कुछ चीज़ें जो हैं वो सदकात दिलाई जाती हैं। यानी अगर काली दाल माश है तो हो सकता है साथ में गुड़ भी हो, हो सकता है चीनी हो, हो सकता है दूध हो। तो इस तरह से उनकी एक तरतीब होती है और ये तरीका इलाज महफूज समझा जाता है सबसे ज़्यादा। दूसरा तरीका इलाज जो होता है वो अमल का होता है। लोग दावे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, जबकि आप लोगों को पता है कि कौम जिन्नात ऐसी मखलूक है जिन्होंने हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम को ही नहीं बख्शा। ये तो एक पैगंबर था कि उसने कंट्रोल किया हालात पे, वहाँ झगड़े फसादात इतने हुए थे कि उनको हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने कंट्रोल किया और उनको भी अल्लाह ताला के हजूर से अंगूठी भी अता हुई, उन्हीं की तरफ से सारे निज़ाम जो है उनको अता किए गए थे। तो कोई आम आदमी कहे कि दावा करे कि हम इतनी, तो ये ऐसे नहीं होता है। जिन्नात में के लिए भी अगर कोई अमल करते हैं, जो बड़े अमल आमिल कोई अमल करता है, तो साहिब दावात बहुत कम लोग होते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं जो साहिब दावात बा मौकिल होते हैं, जिन्होंने डायरेक्ट फरिश्तों से कलाम किया हो, वहाँ से अहद व पैमा किया हो। तो अगर मौकिल अलवी जब आता है तब वो निज़ाम सेट होता है। अमूमी तौर पे अगर आम आदमी किसी जिन्नात से पढ़ाई करे तो उसको वो कोई ना कोई तकलीफ़ दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी की दावत होती है तो उसका जो फरिश्ता होता है उनके अंडर में जो जितने भी जो फरिश्ते होते हैं छोटे और ज़मीनी फरिश्ते, ये सब अंडर में एक लश्कर होता है ना, तो वो उनकी हिफाजत पे मामूर होते हैं और वो उनको ऐसी ऐसी तराकीब, ऐसे ऐसे सिस्टम बताते हैं जिससे वो जल्दी इलाज कर लेता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे को कहा जाए कि आप 70 मर्तबा सूरह यासीन पढ़ें तो उसको कितना टाइम लगेगा और कितनी उसको मशक्क़त उठानी पड़ेगी, लेकिन अगर कोई बंदा साहिब दावत होता है तो उसको एक निज़ाम होता है, वो सिर्फ़ एक ही लफ्ज़ पढ़ेगा तो वो सारे जो मातहत मखलूकात हैं सूरह यासीन की, वो सारी आ जाएंगी उनके सामने और उनके मसले को हल करती हैं और उनको सदकात तरीके बताते हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। और जो जादू की काट करते हैं, या लेकिन सदकात का तरीका महफूज तरीन तरीका समझा जाता है, क्योंकि इसमें कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, आपने
उस मखलूक के मुताबिक चीज़ को देखा, सिलेक्ट किया और सदका दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर मरीख कमज़ोर है, जैसे मंगल कहा जाता है, तो अक्सर लोग यही कहते हैं कि गोश्त का सदका दें। ठीक है, आप लोग अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन ये तो देखें कि क्या वो जहाँ पे वीक होता है, मिसाल बुर्ज सरतान में वीक होता है, बुर्ज जिद्दी में, कैप्रिकॉर्न में पावरफुल होता है, कैंसर में कमज़ोर होता है। अब ऐसी हालत में आप देखें कि जब वहाँ पे पहुँच गया तो आप कौन सा सदका देंगे, क्योंकि मरीख का रंग तो सुर्ख है, और मरीख का जब रंग सुर्ख है तो उसका जो जिस घर में बैठा है, जिस हाउस में बैठा है, वो है कैंसर और वो मैदनी है, उसका ताल्लुक माइनिंग से है, मिनरल्स से है, तो हमें ऐसा सदका सेलेक्ट करना होगा जो मैदनियात से हो। तो अब मैदनियात से जो सदका सेलेक्ट करेंगे, वो जो बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखे, जिसका जायका भी नमकीन हो, तो वो सुर्ख नमक होता है, वो नमक जो कान से निकलता है, अब इतना फ़र्क होता है। इसी तरह यही सयारा अगर बुर्ज अकरब में पहुंच जाए और रेट्रोग्रेट हो, तो हमें जो सदका देना पड़ेगा वो हमें हर्बल में देना पड़ेगा, यानी सुर्ख रंग की दाल। और इसी तरह अगर यही बुर्ज जोज़ा में होगा तो परंदों का गोश्त, और अगर संबला में होगा तो भैंस और गाय का गोश्त, और अगर यही जुपिटर में होगा तो जो सदका होगा वो घोड़े का गोश्त होगा। अब कितना डिफरेंस है, तो अमूमी तौर पे जो लोग होते हैं ना, जो आता है भाई गोश्त का सदका दें, गोश्त का सदका दें, तो वो गोश्त का सदका देते रहते हैं, लोग देते हैं, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर जो मखलूकात चिमटी होती है, लाजमन नहीं है कि वो मखलूक हो जो गोश्त वाली हो। तो ये प्लेसमेंट, ये चीज़ें कौन देखता है? एक एस्ट्रोलॉजर्स देखता है, एक जफार देखता है, या रूहानी बंदा देखता है, उसके मुताबिक वो उनके लिए जो सदकात हैं उनके इंतखाब में जो है वो एहतियात बरतता है, और वो स्पेशली सदकात बताता है जो छोटे से सदकात होते हैं और जिससे काम हो जाता है। कभी कभी बड़े सदकात भी होते हैं, अक्सर करके छोटे सदकात निकल जाते हैं। अब नमक कौन सा बड़ा महंगा है? अगर चलो ठीक है, आपने अपने जो मरीज़ है मंगलिक का, अगर कैंसर में बैठा हो, तो मरीज़ के वज़न के बराबर आप क्या दें? कि लोगों ने तो यही लिखा है ना कि गाय का सदका गाय का दे दें, या भैंस दे दें, गोश्त दे दें, तो भाई वो बैठा है मिनरल्स में, माइनिंग्स में, तो अब आपको जो सदका देना है वो साल्ट का देना है, और रेड साल्ट है, जिसे हिमालयन साल्ट लिखते हैं इंडिया वाले, और वो असल में पाकिस्तान का एक साल्ट है जो बेहतरीन साल्ट है। अब वो अगर उसको आप बड़े मकदार में लेंगे दुकानदार से, होलसेल से, तो वो आपको 10-15 में दे देगा, यानि ₹10 में दे देगा, ₹12 में दे देगा। तो अब ये समझो, अगर कोई अपने वज़न के बराबर भी कर ले, लड़की या लड़का, तो उसका 1000 तक सदका हो जाता है। और वो सदका कहाँ देना होता है ये भी मैं आपको कुलिया बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग पता नहीं क्या समझें। ये सदका जो है ये गाय को देना पड़ता है, विरगु के प्लेसमेंट में इसको देना पड़ता है, यानि ऐसी जगह जहाँ पे गाय हों उनके लिए रखा जाता है, तो वो उसको चाटती है गाय, जब जब वो खाना खाती है, घास खाती है,
तो फिर वो चाट दिए उसको, और उसके चाटने से जो है उसका हाजमा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम सेट होता है। तो इस तरह करने से उनको फ़ायदा होता है। और अगर सुर्ख दाल का सदका होता है तो वो जो देना पड़ता है वो कब्रिस्तान में देना पड़ता है, या वीराने में जहाँ पे परंदे हों, ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ से वो परंदे खा लें। तो ये प्लेसमेंट होती है। तो वही मार्स है, वही मंगल है, उसी की नेगेटिविटी को किसी तरह रिलीज़ किया जाता है। ये एक एस्ट्रोलॉजर, एक जफ़ार, एक आलिम, एक का जो है ये काम होता है। अमूमी तौर पे लोग जो होते हैं वो बुक्स में देखते हैं ये सदका है, वो शुरू कर देते हैं और वो करते रहते हैं। गलत नहीं है करते रहें, लेकिन ये है कि उनको फ़ायदा हासिल नहीं होता, क्योंकि उनके के जो सयारे जो उनको टच करते हैं, जो उनके ऊपर नेगेटिविटी डालते हैं, वो कुछ और होते हैं। तो अक्सर जब वो गोश्त का सदका देते हैं तो ये दूसरी मखलूक उनको चिमटी होती है, छोड़ती नहीं है, तो इससे उनको फिर फ़ायदा नहीं होता। वहाँ समझो परंदे हैं तो परंदे को का जो है वो को खाना खिलाना पड़ता है। तो इस तरह से करने से जब आप सही तरीके से सदकात करेंगे तो आपके जादू जिनात या जो असरात बद हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला अल अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तफादा करेंगे। खुदा हाफिज़।